नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत एवं अध्ययन कर चुके विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एवं ऑनलाइन फीस सबमिट करने के संदर्भ में सुविधा प्रदान की गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम डुप्लीकेट मार्कशीट किस प्रकार बनाई जा सकती है के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। क्विक लिंक्स के अंतर्गत हमें यूनिडास सर्विसेज ऑनलाइन पेमेंट दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। पार्टिकुलर्स, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जिस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स हमें बनवाना है, उस डॉक्यूमेंट्स पर हमें यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन फीस जमा कराने के संदर्भ में लिंक दिए गए हैं। हम बात करेंगे डुप्लीकेट मार्कशीट करंट ईयर एवं ओल्ड ईयर के संदर्भ में। अगर आप करंट ईयर के पाठ्यक्रम में आते हैं तो आपको करंट ईयर सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा आपको ओल्ड ईयर सेलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें अपनी व्यक्तिगत विवरण, एजुकेशन डिटेल, इसके पश्चात एड्रेस फिल करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करके हम चालान जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन भरा गया आवेदन पत्र एवं चालान की हमें प्रिंट लेना होगा। हार्ड कॉपी हमें संबंधित विभाग में जमा कराना होगा। अब बात करेंगे हम आवश्यक दिशा निर्देशों के संदर्भ में। ऑनलाइन भरा गया आवेदन पत्र, जिसमें हमें दो प्रतियां प्राप्त होंगी, एक विश्वविद्यालय कॉपी और एक विद्यार्थी कॉपी। ऑनलाइन जनरेट किया गया चालान, एनरोलमेंट नंबर के लिए हमें जो दस्तावेज की आवश्यकता होगी, सबसे पहला है परीक्षा परिणाम। अगर आपके पास परीक्षा परिणाम है तो आप उसकी फोटोकॉपी यहाँ लगा सकते हैं। एडमिट कार्ड है तो उसकी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। अगर आपके पास मार्कशीट की फोटोकॉपी है तो आप मार्कशीट की फोटोकॉपी भी यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास में तीन प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑनलाइन भरा गया आवेदन पत्र, विश्वविद्यालय कॉपी, ऑनलाइन जनरेट किया गया चालान या फीस की रसीद, एनरोलमेंट नंबर के लिए परीक्षा परिणाम या एडमिट कार्ड या मार्कशीट की फोटोकॉपी। इसके पश्चात हमें संपर्क करना होगा सरदार पटेल भवन या एडम ब्लॉक में। जैसे हम राजस्थान विश्वविद्यालय में संपर्क करेंगे, हमें इस प्रकार का जो इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर हमें सरदार पटेल भवन जो प्रशासनिक भवन है वो हमें इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पर हमें सूचना केंद्र भी मिलता है, जो इस भाग में हमें देखने को मिलता है। यहाँ से हम और अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें विंडो नंबर मिलेंगे, खिड़कियाँ मिलेंगी, जहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट से संबंधित जो कार्य हैं किए जाते हैं। यहाँ पर संपर्क करेंगे, ऑनलाइन भरा गया आवेदन पत्र है, विश्वविद्यालय कॉपी, ऑनलाइन जनरेट चालान, एनरोलमेंट नंबर के लिए परीक्षा परिणाम, एडमिट कार्ड या मार्कशीट की फोटोकॉपी हम लेकर जाएंगे। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके पश्चात 2 घंटे या उसी दिन 4 बजे तक हमें अपना जो दस्तावेज है, जो मार्कशीट है, डुप्लीकेट मार्कशीट है, मिल जाती है। इसके लिए विद्यार्थी कॉपी को हमें देना होगा। जब हम डुप्लीकेट मार्कशीट रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो उसे हमें विद्यार्थी जो कॉपी है संबंधित विभाग में जमा करानी होती है। इस तरह से हम 2 घंटे के भीतर भीतर या उसी दिन शाम 4 बजे तक अपना जो संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है आसानी से ले सकते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके लिए हमें सबसे पहले जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना होगा। अगर हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सभी दस्तावेज लेकर साथ में जाते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली, अन्य सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने जानकारी ली। यदि कोई प्रश्न रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहें RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।